ग्रेनेड है, क्या एक सही ठिकाने पे गिरा पाते हैं इस ग्रेनेड को, ये देखने वाली बात रहेगी। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ठिकाने पे गिराएंगे और हेक्टर अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने तजुर्बे के साथ गए हैं। लेकिन उछलने से अच्छा ना मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो है ना जनाब फटाफट से जाके रिवाइवल दे दे, आराम से पहुंच जाते। लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा बेहद करीब जा चुके हैं और अगर रॉक्स अब यहां से निकलते हैं व्हीकल्स लेकर तो फॉर श्योर टॉर्च तो लिए जाएंगे और कनेक्शंस भी बनाना चाहते हैं। लेकिन रॉक्स को एक सही जगह पे रुकना होगा और ये ड्राइविंग स्किल्स थोड़ा सा दिक्कतों में डालेगी रॉक्स को और अब बिल्कुल भी अलाउ नहीं करा जाएगा टीम सोल के प्लेयर के द्वारा रॉक्स यहाँ पर कि आप बचे इस मैच में। थोड़ा सा व्हीकल जो है ना कब्रू है एंड हेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं वेट करेंगे। लेकिन फोर स्टार्स के सुमित ओपी बैक टू बैक ट्रेड निकालना चाहते थे लेकिन सोल के हेक्टर ने थोड़ी सी यहाँ पर जो है चुप्पी जरूर दी। स्टार्स के लिए ग्रेनेड काफी ज्यादा दिक्कतों से भरा यहाँ पर साबित होता नजर आ रहा है इस ग्रेनेड के साथ। आई थिंक सो कि रेमजी का भी जो कार्य है वो समाप्त हो सकता है लेकिन उससे पहले सुमित ओपी को कर दिया जाएगा फाइनली फिनिश ऑफ। और अब इस फाइट में टीम फोर स्टार्स की तरफ से रेमजी बीइंग दैट नाउ सोलो मैन, क्या ये ग्रेनेड जाके बनाएगा कनेक्शन? जी हाँ, चलिए दो को डॉन बार बार बचे हैं। अगर ये लीजिए डायनेसिस के ऊपर अब इस बार स्प्रे लिए जाएंगे इनफैक्ट डॉन के ऊपर तो कन्फर्मेशन भी आ जाएंगी और डायनेसिस भी एक गोल्डन एचपी पे थे जो कि हेक्टर चलिए बचा कुचा जो कार्य है वो समाप्त कर